नमस्कार, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल्स बड़ौदा गुजरात से। आज मैं आया हूँ सेगवा तालुका सिन्नौर, जिला वडोदरा। तरबूज का ये जो तरबूज है पोलन एग्रो की ट्रीटमेंट के अंडर है और इसको आज 20 दिन हो गया है, क्योंकि बाहुबली सीड्स है, बाहुबली का वैरायटी जो लगाया है आज, उसका सीधा सीड्स हमने बेड पर लगाया था और बेड के अंदर हमने डाला है DAP 50 किलो, PSD 10 किलो और माइक्रोन्यूट्रंट 10 किलो। उसके बाद एक दिन पानी चलाए, पानी चलाने के बाद हमने मल्चिंग डाला, मल्चिंग डालने के बाद सीधा सीड्स लगाए, सीड्स लगाने के बाद हमने लगाया है पहले 6 दिन के बाद पहला ड्रिंचिंग किया उसको, 1261 बेस और IBA जो कि रूट डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सेकंड लिया हमने 2 दिन के बाद 1919 3 किलो, मैग्नीशियम 3 किलो और न्यूट्रीपॉल DF जो कि माइक्रोन्यूट्रंट है वो लिया है हमने 1 लीटर। पौधे की स्ट्रेंथ और क्वालिटी और फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो लिया है, और उसके बाद स्प्रे जो लिया है अभी थ्रिप्स माइट्स के लिए, उसमें लिया है हमने इमिडा नीम ऑयल और 1919। सेकंड स्प्रे में लिया है हमने जो कि वाइट फ्लाई आता है और थ्रिप्स माइट्स कंट्रोल करने के लिए पेगासस लिया है, और उसके साथ पाइरोफॉक्सीपेन लिया है 5%, और उसमें हमने ग्रोथ प्रमोटर लिया है PDI। और अभी उसमें जो 20 दिन का हो गया है उसमें अभी तक हमने लिया है 3 ड्रिप शेड्यूल जो कि 1261 का गया है पहला, सेकंड 1919 का गया है और अभी 1340-13 का गया है, जो कि अभी उसकी स्ट्रेंथ और जो पत्ते की क्वालिटी है वो अच्छी है। और यहाँ से आगे अभी उसके हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन हम उसका ड्रिप शेड्यूल देते हैं, और तीसरे दिन या चौथे दिन उसकी पत्ते की क्वालिटी देख के उसका स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, अभी ठंड की शुरुआत हो गई है और उसमें झाकड़ भी गिरती है, जो सुबह सुबह की झाकड़ की वजह से प्रॉब्लम अभी डाउनी का और पाउडरी का इशू बढ़ सकता है, और लिप माइनर का भी थोड़ा अटैक प्लांट के ऊपर दिखता है। तो उसके लिए हमने अभी लिया है डाउनी के लिए एंट्रोकॉल, और मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि अभी डाउनी का इशू चालू हो गया है, ये देख सकते हो अभी ये डाउनी का इशू है, और दोस्तों ये पाउडरी का इशू है, और अभी लिप माइनर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है लिप माइनर, जो कि उसके लिए अगर लिप माइनर प्लॉट पे आया और कंट्रोल नहीं हुआ तो दोस्तों अपना 8 दिन के अंदर पूरा प्लॉट ख़राब हो जाता है। इसमें अभी ये देख सकते हो दोस्तों, लिप माइनर के लिए हमने लिया है प्रोफेनोसाइफर 30 ml, उसके साथ डाउनी के लिए है लिया है एंट्रोकॉल, और डाउनी और पाउडरी के लिए एंट्रोकॉल लेने के बाद सेकंड स्प्रे हमने किया है एमिस्टाट्रॉप, क्योंकि उससे डाउनी और पाउडरी कंट्रोल होता है दोस्तों। अभी थोड़ा थोड़ा अटैक इसका चालू हो गया है थ्रिप्स का, उसके लिए हमने लिया है पायरोफॉक्सीपेन और डाइफेंथुरॉन, जो कि उसमें थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये है डाउनी का और लिप माइनर का अटैक, जो कि हमने हमारे फार्मर जो है किसान भाई हो सकते हो, ये है डाउनी का और लिप माइनर का अटैक। इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद अगर उसके बाद हमने तुरंत ही स्प्रे ले लिया, स्प्रे करने के बाद अभी जो देख सकते हो ये नया पत्ता वो है फ्रेश निकला हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो। अगर इसके तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो दोस्तों लिप माइनर और डाउनी